गर्मियों में अगर रोजाना सुबह शाम आम या उसका जूस मिल जाए तो बात ही अलग होती है। खासकर बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट होता है मैंगो फ्रूटी। आम की फ्रूटी बच्चे बहुत ही चाव के साथ पीते हैं। गर्मियों के मौसम में बच्चे युद्ध मार्केट में बिकने वाले मैंगो फ्रूटी खरीदने के लिए जिद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसे घर पे भी बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको मैंगो फ्रूटी बनाने का सही तरीका बताते हैं। इसे पीने के बाद बच्चे मार्केट वाले फ्रूटी भूल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए मैंगो फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूटी बनाने के लिए मैंने 2 पका आम और 1 कच्चा आम लिया है। सबसे पहले इसे धोकर छील लेंगे, फिर इसे टुकड़ों में काट लेंगे। फ्रूटी बनाने के बाद आप इसे 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मार्केट में दोनों तरह की आम मिल रही है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंगो फ्रूटी, जिसे हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। सिंपल रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है और कम समय में बनकर भी तैयार हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो पका हुआ आम है उसे मैंने छील लिया है, अब कच्चे आम को भी साथ में छील लेती हूँ। यहाँ पे पका हुआ आम जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और कच्चे आम की क्वांटिटी जस्ट 1/4 रहेगी। या जिस अकॉर्डिंग आपको खट्टा मीठा पसंद है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कच्चा आम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो कच्चा आम है ना बहुत ही ज्यादा खट्टा है, तो मैं यहाँ पे कम ही क्वांटिटी में यूज कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1/2 कच्चा आम लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसे रफली चॉप कर लेंगे, फिर फाइन पेस्ट पीस कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं पेस्ट का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। जार में थोड़ा बहुत पानी डालेंगे और उसे भी इस बाउल के अंदर डाल लेंगे। अब यहाँ पे इसे पकाना है तो इसे पैन में ट्रांसफर करेंगे, साथ में 1 कप चीनी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। जिस अकॉर्डिंग आपका आम खट्टा मीठा हो उस अकॉर्डिंग चीनी का क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। हल्का सा ट्रांसलूशन ना हो जाए तब तक इसे पकाना है। पहले इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसका जो कलर है एकदम ट्रांसलूशन सा हो जाएगा। उतना ही पकाना है, आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो नीचे ये जल सकता है। देखिए इसमें एक उबाल आ गया है और इसका टेक्सचर जो है परफेक्ट है। अब यहाँ पे इसे एक बड़े से बाउल में छान रही हूँ ताकि आम में से जो भी रेशे होंगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से रेशे निकल कर अलग हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया था, उसमें से थोड़ा बहुत पानी मैंने पहले यूज किया है। अब जो भी पानी बचे है उसे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी फ्रूटी जो है ना बनकर तैयार हो गई है। चलिए इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। इसका टेस्ट डिटो फ्रूटी की तरह आ रहा है। इसे बोतल में डालकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ सकते हैं, फिर आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रूटी की तरह दिख रहा है। देखने में ही नहीं पीने में भी डिटो फ्रूटी की तरह लगता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद आप इसे सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।